आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है दिल्ली के विज्ञापन मंत्री, आई मीन टू से मुख्य टाइप मंत्री एडमैन वादामैन, दिल्ली को विज्ञापनों में सिंगापुर लंदन बनाने वाले मिस्टर अरविंद केजरीवाल। राजनीति बदलने की बात करने वाले केजरीवाल ने देश की राजनीति में नया ट्रेंड ही शुरू कर दिया, फ्री का झुनझुना देने का। जनता से कहा कि वो देश की सूरत बदलेंगे और दिल्ली के मालिक बनकर उसे बदसूरत बना डाला। और अब दूसरे राज्यों में जनता को लालच की नई राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। केजरीवाल जो काम नहीं करते, जिनका विज्ञापन ही है शासन। दिल्ली के किसी मोहल्ले में स्पीड ब्रेकर बनने पर भी विज्ञापन के जरिए ढिंढोरा पीटते हैं केजरीवाल। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के प्रबंधन में अपनी नाकामी को ढकने के प्रयास में दिल्ली सरकार ने एक बार फिर जनता के पैसों को आग लगाते हुए अरविंद केजरीवाल की सार्वजनिक छवि को चमकाने के लिए विज्ञापनों पर बहुत सारा पैसा खर्च करने का फैसला किया है। शुक्रवार 9 जुलाई 2021 को दिल्ली सरकार ने न केवल राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में बल्कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात आदि के क्षेत्रीय समाचार पत्रों में भी पूरे पेज के विज्ञापन जारी किए। इसमें एक नई स्कीम मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के शुभारंभ के बारे में बताया गया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने अब धीरे धीरे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की भी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में सरकार चलाने वाली इस पार्टी की नज़र अब 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव पर भी है। तभी तो आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को गुजरात के अखबारों में दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का विज्ञापन दिया है। साफ है कि आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली की नीतियों के जरिए गुजरात के लोगों को लुभाने में जुटी है और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। आपको याद ही होगा कि अभी बीते कुछ महीने पहले ही कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली कोरोना के कहर में थी, लोग बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे थे और केजरीवाल टीवी से लेकर सुलभ शौचालय के बाहर होल्डिंग तक भर भर कर विज्ञापन पूस रहे थे। यानी कि केजरीवाल का फंडा क्लियर है, दिल्ली वालों के लिए, जनता के लिए कोई काम नहीं करना, जमीन पर कोई काम नहीं दिखना और जिन राज्यों से दिल्ली का कोई मतलब नहीं वहाँ एडमैन केजरीवाल विज्ञापन बांट रहे हैं, फ्री बिजली पानी देने का वादा कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली को सिंगापुर लंदन बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में या फिर अपनी जबानी जंग में। चमड़े की जबान है, लगता ही क्या है। केजरीवाल के विज्ञापन पर खर्च करने की हरकत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी सरकार से विज्ञापनों पर खर्च की जानकारी मांगी है। नगर निगम कर्मचारियों के बकाया वेतन और पेंशन के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस बारे में पूछा। खैर, पाप का घड़ा भरेगा तो छलकेगा और वो घड़ा फूटेगा भी, और जनता भी केजरीवाल की सीरत, नीयत और सूरत के बारे में अच्छी तरह जान चुकी है।